शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, सहायक आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय NIOS के इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपके साथ परिचर्चा करूँगा वह विषय है संभाषण में शुद्धता और धारा प्रवाहिता। इस पे बातचीत करने से पहले मैं यह बातचीत करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस पूरे व्याख्यान को आप मेरे व्याख्यान पर ही लागू करके ना देखें और इसको एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए संप्रत्यय समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा वह यह होगा कि शिक्षक के संबंध में यह प्रचलित है कि वह स्वयं किसी भौतिक उत्पादों का निर्माण नहीं करता। वह ना कल कारखाने बनाता है और ना वायुयान और न ही वैज्ञानिक प्रयोग करता है, किंतु वह ऐसे मस्तिष्कों को दिशा प्रदान करता है जो भौतिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इन समस्त प्रयासों में वह जिस कौशल का प्रयोग करता है वह है संभाषण। हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में यदि हम संभाषण कौशल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने में सदा और सर्वदा असफल रहेंगे। तो यह आवश्यक है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्कों को उचित दिशा प्रदान करने के लिए, उनके मस्तिष्कों को देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए जो प्रयास करता है वो प्रयास संभाषण कौशल के माध्यम से ही सफल हो पाता है। और यह अध्यापक का दायित्व है कि वह कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में बेहतर संभाषण कौशल के द्वारा, बेहतर बातचीत करने के तरीकों के द्वारा, बेहतर सवाल को एड्रेस करने के द्वारा विद्यार्थियों को एक विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रयास करें। इसी के साथ अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा संभाषण का अर्थ क्या है। कक्षा संभाषण से आशय ऐसे संभाषण से है जो शिक्षण व्यवस्था में आयु एवं शिक्षा स्तर में समान बालकों की कक्षा के सम्मुख दिया जाता है। हम देखते हैं कि यदि किसी अध्यापक को कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है, बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ठीक तरीके से अध्यापक जो है कक्षा में संभाषण का सहारा लेता है। संभाषण से तात्पर्य ऐसी बातचीत से है जिससे वह विद्यार्थियों को किसी बात को संप्रेषित करता है, किसी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को उस तक पहुंचाता है। जो शिक्षण व्यवस्था में आयु एवं शिक्षा स्तर में समान बालकों के कक्षा के सम्मुख वो डिलीवर करता है। विद्यार्थियों को विभिन्न विषय के संप्रत्ययों का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में अध्यापक जो है वह विद्यार्थियों से बातचीत करे, उसी को हम कक्षा संभाषण की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि दूसरे शब्दों में इसको हम लोग देखना चाहें तो दूसरे शब्दों में कक्षा संभाषण वह प्रक्रिया है जो एक अध्यापक द्वारा विशिष्ट कक्षा के बालकों के सम्मुख निश्चित पाठ्य वस्तु के संबंध में मौखिक रूप से संचालित की जाती है। इसका तात्पर्य समझने की हम कोशिश करेंगे। कक्षा संभाषण में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में, अध्यापक जो है किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए किसी विशेष कक्षा के बालकों के सामने जाता है और किसी निश्चित पाठ्य बिंदु को, जो कि पहले से उसके करिकुलम का हिस्सा है, जो कि पहले से उसके पाठ्यचर्या का, सिलेबस का हिस्सा है, उस पे डिलीवरी करने का निर्धारण करता है और वो निश्चित पाठ्य वस्तु के संबंध में मौखिक रूप से विद्यार्थियों से बातचीत करता है जिसे हम कक्षा संभाषण का नाम देते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा संभाषण का माध्यम क्या होता है और इस संप्रत्यय को किस तरीके से समझा जाए। तो कक्षा संभाषण में अभिव्यक्ति एक प्रमुख तत्व है, यह सस्वर होनी चाहिए, और कक्षा संभाषण का माध्यम केवल भाषा होती है। ऐसे में बालकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप भाषा का चयन किया जाना चाहिए। यह अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में जब वह कोई चीज़ पढ़ा रहा है, कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वह चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है अपने विद्यार्थियों के सम्मुख। वह किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है, और जब वह अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है इसका मतलब उसमें वह कुछ बोल रहा है, वह कुछ उद्घाटित कर रहा है, और जब वह कुछ उद्घाटित करता है तो निश्चित रूप से यह उद्घाटन जो है
वह बिना भाषा के सहायता के संभव नहीं है। तो भाषा की सहायता से वह किसी विषय वस्तु को अपने बालकों को समझाता है, और ऐसा करने के लिए वह किस तकनीक का प्रयोग करता है यह जानना बेहद ज़रूरी है। वह यह निर्धारित करता है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही भाषा का चयन किया जाए, इसी तरीके की भाषा का उपयोग किया जाए जो कि विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के अनुकूल हो, उनके साइकोलॉजिकल लेवल के अनुकूल हो। यदि कक्षा 4 या कक्षा 5 में कोई अध्यापक किसी विषय वस्तु को पढ़ाने गया है तो यह उसका दायित्व है कि वह उस कक्षा 4 और 5 के बच्चे के बौद्धिक स्तर के अनुरूप इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक ही भाषा का चयन करे, और उसी प्रकार से उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए ही वह अध्यापन का कार्य करे। अब समझने वाली बात है कि संभाषण किस तरीके के भाषा में होगा, संभाषण का माध्यम क्या होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में अध्यापन का कार्य किया जा रहा है वह अध्यापन किस भाषा में हो, तो कक्षा का संभाषण जो है वह मातृभाषा में भी हो सकता है और राष्ट्रभाषा या किसी विदेशी भाषा में भी संभव है। यह संभव है कि कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में यदि बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि अभी प्राथमिक कक्षाओं में हैं तो उनके साथ अध्यापक को चाहिए कि वह मातृभाषा में बात करे, उसकी मदर टंग में बात करे। ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे विद्यालय आते हैं छोटे बच्चे, वो मातृभाषा में ही बातचीत करने में दक्ष होते हैं, क्योंकि NCF 2005 यह बात कहता है कि बच्चों के लिए आसान होता है कि वह परिवेश की भाषा, अपने कुनबे की भाषा, अपने पड़ोस की भाषा, अपने घर की भाषा में बातचीत करे, और जब वह ऐसा करता है तो चीज़ों को ज़्यादा ग्राह्य करता है, चीज़ों को विषयों को बहुत आसानी के साथ समझता है। तो यदि कक्षा संभाषण बहुत प्राथमिक कक्षा के लिए हो रहा है, छोटे बच्चों के लिए हो रहा है, तो उसे मातृभाषा में किया जाना चाहिए, और राष्ट्रभाषा या विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल भी आवश्यकता के अनुरूप एक अध्यापक जो है वो करता है। हम देखते हैं, अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि संभाषण विकास की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं, किन किन अवस्थाओं से संभाषण विकास जो है होकर गुजरता है। तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि जब बालक भाषा सीखता है तो उसे 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और इन्हीं 4 अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा हम अब करेंगे आपके साथ। अरुण कुमार सिंह की सरल व्यावहारिक मनोविज्ञान जो मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित की गई है उसमें वो 4 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जिसमें पहली अवस्था की जो वो चर्चा करते हैं वह पहली अवस्था उन्होंने बताया है दूसरों की भाषा को समझना। संभाषण करते वक्त यह आवश्यक है कि सामने यदि कोई बात कह रहा है उसको ठीक तरीके से हम समझें, तो दूसरों की भाषा को समझना जो है यह एक प्रमुख और सबसे प्रथम कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है शब्दावली का निर्माण करना। जिन शब्दों की आवश्यकता हमें रोज पड़ती है, जिन शब्दों की आवश्यकता हमें कक्षा कक्ष में किसी विषय को पढ़ने और समझने के समय पड़ती है, ऐसे शब्दावलियों का निर्माण करना आवश्यक होता है। अध्यापक का यह दायित्व है कि ऐसे शब्दों से जिनका कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है छोटे बच्चों के लिए, उसको हम लोग सीखें और विद्यार्थियों को भी सिखाएँ। तीसरी जो प्रमुख बात है वह है शब्दों द्वारा वाक्यों का गठन। आप ठीक तरीके से यह बात जानते हैं कि यदि विभिन्न प्रकार के शब्दों को, विभिन्न शब्दों को यदि एक कागज़ पर लिख दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, जब तक कि उसको ठीक तरीके से, उसको व्यवस्थित तरीके से न लिखा जाए, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में न लिखा जाए। यदि राम घर जाता है यदि लिखा जाना है तो यह आवश्यक है कि राम के बाद घर आए और घर के बाद जाता आए, उसके बाद है आए, तो यह एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसे बच्चों को सिखाना जरूरी है। यदि आपने यह स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं फॉलो किया, यह विशिष्ट जो क्रम है उसका अनुपालन नहीं किया, तो निश्चित रूप से वह वाक्य जो है निरर्थक वाक्य होगा और उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा,
तो यह आवश्यक है कि शब्दों द्वारा वाक्यों का ठीक तरीके से गठन किया जाए। चौथी जो अवस्था है वह है उच्चारण। भाषा के संदर्भ में जब भी हम बातचीत करते हैं तो यह बेहद आवश्यक है कि हम स्पष्ट और बढ़िया उच्चारण करें। हिंदी में यदि हम कोई बातचीत कहते हैं तो हिंदी के स्टैंडर्ड, हिंदी के मानक उच्चारणों का ही अनुसरण करें। कई बार सामान्यतया होता क्या है कि अध्यापकों की भाषा में उसके क्षेत्रीय भाषा का असर होता है, यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। तो जब भी हम उसे उसकी मातृभाषा से, उसके आस पड़ोस की भाषा से, उसके कुनबे की भाषा से, उसके घर परिवार की भाषा से जब भी हम उसको परिष्कृत करना शुरू करें तो यह दायित्व है एक अध्यापक का कि वह उच्चारण पर विशेष ध्यान दे, उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। स और ष का उच्चारण कैसे किया जाना है, दंत स और तालव्य ष का उच्चारण कैसे किया जाना है, मूर्धन्य स का उच्चारण कैसे किया जाना है, इस पे भी बच्चों को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि जब वो उत्तरोत्तर भाषा में प्रगति करें तो उनके उच्चारण में वह शुद्धता और वह गतिमान, उसका उच्चारण जो है वह बना रहे, यह आवश्यक चीज़ है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे संभाषण और मौखिक भाषा के अंतर संबंधों को। इसको हम लोग डिसेक्ट और इसका संश्लेषण और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि संभाषण और मौखिक भाषा में किस प्रकार का संबंध है। हम सामान्यतया यह जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है मौखिक, जिसे जैसे मैं यदि आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इसको मौखिक रूप कहा जाएगा, और दूसरा यदि मैं आपके साथ पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, आपको ईमेल लिख रहा हूँ, तो वह लिखित भाषा का रूप माना जाएगा। तो भाषा के दो प्रमुख रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अपने मन की बात प्रकट करने के लिए मनुष्य समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उनके व्यवस्थित रूप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का निर्माण जो है वह लिपि से ना होकर ध्वनि संकेतों से होता है, साउंड पैटर्न से होता है, और यह साउंड पैटर्न जो है वह समाज द्वारा स्वीकृत होता है, समाज द्वारा व्यवस्थित होता है, समाज द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और उसी को जब हम एक व्यवस्थित रूप में विभिन्न ध्वनि संकेतों के समूह का प्रयोग करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा का रूप देते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने के लिए मौखिक भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। यदि हम कहीं जाके किसी बाजार से सब्जी खरीदते हैं तो हम उसके लिए मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम हर जगह लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग का अलग दायरा है और मौखिक भाषा के प्रयोग का अलग दायरा है। तो इन तत्काल यदि हमें किसी को अपनी बात पहुंचानी है, किसी से अपनी बात कहनी है, चाहे वह हम उसके सामने भी कहते हैं या मोबाइल पर भी बातचीत करते हैं, तो विभिन्न ध्वनि संकेतों के, विभिन्न व्यवस्थित ध्वनि संकेतों की सहायता से हम उसके साथ अपनी बातचीत मौखिक रूप में रखते हैं, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा के काम और अपने सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व विकास का एक बहुत गहरा अंतर संबंध है। मौखिक अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व विकास एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं। हालांकि हमारे यहाँ अकादमिक सफलता जो है, अकादमिक सक्सेस जो है, एकेडमिक सक्सेस जो है, वह ज़्यादातर लिखित अभिव्यक्ति पर निर्भर है। लेकिन जब हम लिखित अभिव्यक्ति से बाहर आते हैं और जब रोजगार ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो चाहे आप विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नौकरी खोजें या आप एक सिविल सर्विसेज की महत्वाकांक्षा रखते हों, दोनों ही अर्थों में आप एक बेहतर मौखिक वक्ता नहीं हैं। यदि आप मौखिक अभिव्यक्ति में निष्णात नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व परफेक्ट नहीं माना जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व विकास जो है एक दूसरे पर संबंधित है, और हमें अपने रोजगार में सफल होने के लिए एक बेहतर मौखिक अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति होना आवश्यक है। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वह है कि वार्तालाप करने का ढंग भी संभाषण की कला पर निर्भर करता है। जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें भी यदि आप बेहतर संभाषण कौशल में निपुण हैं तो
तो आप अपनी बातों को ज़्यादा सफल तरीके से, ज़्यादा सुगम तरीके से, ज़्यादा सरल और सहज तरीके से रख पाते हैं, जो कि निश्चित रूप से प्रभावी होता है और आपकी सफलता को एक नया आयाम प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे कि संभाषण का संप्रत्यय क्या है और इसके कौन कौन से तत्व हैं। संभाषण वास्तव में कौशल है जो भाषा में प्रसंगों के अनुरूप उदाहरणों, कहानियों, कविताओं, लोकोक्तियों, मुहावरों, छंदों और अलंकारों के प्रयोग से निखरता है। जब भी हम बातचीत करते हैं किसी से, जब भी हम संभाषण करते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं, तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उस बात के प्रसंग के हिसाब से हम उदाहरणों का चयन करते हैं, हम उस प्रसंग से मिलते हुए कहानियों का चयन करते हैं, कविताओं का चयन करते हैं, लोक भाषा में जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका चयन करते हैं, विभिन्न मुहावरे और छंदों और अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा करने से हमारा संभाषण कौशल जो है वो निश्चित रूप से उसमें निखार आता है। प्रभावी संभाषण के जो मुख्य तत्व हैं उसमें भाषाई प्रवीणता जो है यह एक बेहद आवश्यक और ज़रूरी तत्व है। भाषाई प्रवीणता जो है वह भाषा पर आपका उचित अधिकार और उसके विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने के क्षमता से संबंधित है, और इसके साथ साथ विषय वस्तु की समझ, आपका आत्मविश्वास, संभाषण में शुद्धता, आपके वक्तव्य में प्रवाह बनाए रखने की क्षमता, आपके पास तथ्यों का ज्ञान, असंगत बातों से बचने का कौशल, कथन की स्पष्टता तथा वाणी का संतुलन भी शामिल है। जब तक आपके समझ विकसित नहीं होगी, जब तक आपकी विषय वस्तु की समझ बेहतर नहीं होगी, तब तक आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को कह पाने में सर्वथा असफल रहेंगे। संभाषण में शुद्धता और वक्तव्य में प्रवाह बनाए रखने की क्षमता, तथ्यों का ज्ञान, असंगत बातों से बचने का कौशल और कथन की स्पष्टता तथा साथ ही साथ वाणी का संतुलन जो है यह संभाषण के प्रमुख तत्वों में गिना जाता है। यदि आप इन चारों, इन पांचों, छः, सात चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका समुचित प्रयोग करने में निष्णात हैं, समुचित प्रयोग करने के काबिल हैं, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आप एक अच्छा संभाषण करने वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे यह बात करूँगा कि संभाषण की शुद्धता से क्या अभिप्राय है। संभाषण की शुद्धता वह क्षमता है जिसमें सीखने वाला सही व्याकरण एवं शब्दावली का उपयोग करते हुए वाक्यों का सही सही उच्चारण करता है। इसे ही हम संभाषण की शुद्धता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें वह उस शब्द का हमें कहाँ उपयोग करना है यह तो हमें पता ही हो, हमें उसके व्याकरणिक संरचना की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ हमारा उच्चारण भी इतना स्पष्ट, साफ और शुद्ध होना चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों को जो कुछ समझाएं उसका वह अनुकरण करे तो वह गलत भाषा ना सीखे, गलत उच्चारण ना सीखे। तो ये संभाषण की शुद्धता की महत्ता है। प्राथमिक स्तर के बालकों की शुद्धता का स्तर किसी वयस्क की शुद्धता के स्तर से भिन्न होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम जब प्राथमिक स्तर के बालकों से बातचीत करें और बच्चे जब स्कूल को सकूल कहें तो उसको हम शुद्ध करने का प्रयास करें, उसकी मातृभाषा को उसके मानक भाषा के करीब ले जाने का प्रयास करें। यह दायित्व हम अध्यापकों का ही अपने विद्यार्थियों के प्रति है। आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करेंगे कि धारा प्रवाहिता से आप क्या समझते हैं या धारा प्रवाहिता से हम क्या समझते हैं। भाषाई प्रवीणता के संदर्भ में धारा प्रवाहिता का अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ बोल, पढ़ और लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। भाषाई प्रवीणता में जब हम धारा प्रवाहिता को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि यदि विद्यार्थी बिल्कुल बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रयास के, यदि सहजता के साथ अपनी बातों को रख पा रहा है, बोल पा रहा है, पढ़ पा रहा है और लिख पा रहा है, तो उसको ही हम लोग धारा प्रवाहिता कहते हैं।
धारा प्रवाहिता में व्याकरणिक गलतियों की बजाय अर्थ एवं संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें व्याकरण के बहुत माइन्यूट गुण दोषों को नहीं देखा जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि आप जो बातचीत कह रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो भी संप्रेषण आप अपने टारगेट ऑडियंस को कर रहे हैं, उसमें एक फ्लो है कि नहीं, उसमें नेचुरलिटी है कि नहीं, उसमें सहजता है कि नहीं, और जिन संदर्भों पर आप अपनी बातचीत कर रहे हैं उन संदर्भों पर उन धारा उस बातचीत के दौरान हम ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं कि नहीं, इसी से धारा प्रवाहिता का तात्पर्य है। अब हम यह देखेंगे कि इन विभिन्न बिंदुओं पर परंपरावादी भाषा शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण है और आधुनिक भाषा शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण है, एक एक करके हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहले परंपरावादी भाषा शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज भाषा शिक्षकों के समक्ष एक बड़ी दुविधा यह है कि वे बालकों को भाषा सिखाने के लिए शुद्धता और धारा प्रवाहिता में से किस पर गंभीरता के साथ काम करें। यह एक चैलेंज के रूप में, यह एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है कि बच्चों को हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि वह भाषा शुद्ध बोले, या इस बात पर बल देना चाहिए कि वह धारा प्रवाह बोले। हम लोग सामान्य बातचीत में यह देखते हैं कि अध्यापक भी यह कहते नज़र आते हैं कि यह बच्चा जो है वो बहुत फ्री फ्लोइंग बोलता है, बहुत धारा प्रवाह रूप से बोलता है। तो यह एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है कि हम उसकी भाषा की शुद्धता पर ध्यान दें कि धारा प्रवाहिता पर ध्यान दें। अब इसको हम देखते हैं परंपरावादी भाषा शिक्षकों के दृष्टिकोण से कि किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। परंपरावादी शिक्षक भाषा सीखने में शुद्धता को ज़्यादा महत्व देते हैं। परंपरावादी भाषा शिक्षक जो हैं वह कहते हैं कि भाषा में धारा प्रवाहिता बहुत ज़्यादा ना हो, यदि सामान्य धारा प्रवाहिता भी है तो भी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। बालकों का, विद्यार्थियों का व्याकरणिक दृष्टिकोण जो है वह सही लिखने एवं सही बोलने का होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चा अपनी बात रखे कि वह ग्रामर के दृष्टिकोण से, वह व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध हो, तो उसको हम लोग बेहतर मानते हैं, ऐसा परंपरावादी भाषा शिक्षकों का मानना है। और इसके लिए वे बार बार अभ्यास कराते हुए बालकों का मूल्यांकन करते रहते हैं। वह बार बार चाहते हैं कि बच्चे वन पेज राइटिंग लिखे, जिससे कि वह यह आइडेंटिफाई कर सकें कि भाषा विशेष में वह कहाँ गलती कर रहे हैं, और उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके, उन गलतियों की पहचान करके उसको शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही हम यह बात भी समझ लें कि परंपरावादी शिक्षकों का जोर जो है वह परीक्षा केंद्रित पद्धति पर होता है, और वह यह मानते हैं कि यदि कोई बच्चा अपनी कॉपी में कोई आंसर लिख रहा है, कोई उत्तर लिख रहा है और उसमें अशुद्धियां हैं, तो इसका अच्छा इम्प्रेशन नहीं होता है। इसलिए परीक्षा की कॉपियों में बेहतर तरीके से लिखने के लिए, भाषा की गलतियां वो ना करें, यह सुनिश्चित करने के लिए वह परीक्षा की प्रैक्टिस कराने के लिए वह उसमें से गलतियों को आइडेंटिफाई करता है और वो गलतियों को बताता है अपने विद्यार्थी को कि तुमने वन पेज राइटिंग में यह गलतियां की हैं और ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इसे परीक्षा केंद्रित पद्धति भी कहते हैं। अब हम यह देखेंगे कि आधुनिक भाषा शिक्षकों का इसके प्रति, धारा प्रवाहिता और शुद्धतावादी आग्रह के प्रति क्या दृष्टिकोण है। परंपरावादी शिक्षकों से विपरीत बिल्कुल जो आधुनिक भाषा शिक्षक हैं, जैसे कि हम शिक्षकों का दूसरा वर्ग कहते हैं, उनका मानना है कि भाषा संप्रेषण और अनुभवों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। वे धारा प्रवाहिता को ज़्यादा महत्व देते हैं। वह यह कहते हैं कि यदि भाषा में प्रवाह है, भाषा एक फ्री फ्लोइंग तरीके से अभिव्यक्ति हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अभिव्यक्ति ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रभावी है। वे व्याकरण की बजाय अर्थ और संदर्भ को समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
वह यह समझते हैं कि व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अध्यापक व्याकरण की बजाय अर्थ और संदर्भों को समझाने पर ज़्यादा जोर देता है तो वह अध्यापक आधुनिक भाषा शिक्षकों की कैटेगरी में आ पड़ता है। और आधुनिक भाषा शिक्षक जो है वह व्याकरण और उस छोटी छोटी गलतियों की बजाय वह इस बात पर बल देते हैं कि क्या बच्चे ने जो बात कही, विद्यार्थी ने जो बात कही, उसका पूरा अर्थ, पूरा संदर्भ निकल के आ रहा है कि नहीं। यही मूल अंतर है आधुनिक भाषा शिक्षकों में और परंपरावादी भाषा शिक्षकों में। वे आधुनिक भाषा शिक्षक जो हैं इस बात पर भी जोर देते हैं कि बालक प्रवाह में बोलते समय अपने विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त कर पाए कि सुनने वाले उसे सही अर्थ में ही समझें। यह आवश्यक है कि जब विद्यार्थी अपनी बातों को रख रहा है तो वह बात को रखते समय अपने विचारों को कुल मिला जुला के इस प्रकार से अभिव्यक्त करे, इस प्रकार से रखे कि उसे सुनने वाला जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बात कह रहा है उसका सही अर्थ समझ में आ जाए। और यदि सही अर्थ समझ में आ जाता है तो आधुनिक भारतीय शिक्षक जो है वो कहते हैं कि ये भाषा का डेवलपमेंट जो है, यह भाषा का विकास जो है वह अति आवश्यक है। अब हम इस बात पर बातचीत करेंगे कि संभाषण में शुद्धता और धारा प्रवाहिता की क्या आवश्यकता है और इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जिस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे वह है व्यक्तित्व विकास के लिए। हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि भाषा कौशल जो है वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही सहायक होता है। और यदि आप अपनी बातों को ठीक तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, शुद्ध तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, धारा प्रवाह तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का विकास, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमें यह बात समझनी चाहिए कि अध्यापन कौशलों का सही ढंग से उपयोग करने के लिए भी संभाषण में शुद्धता और धारा प्रवाहिता की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु के प्रभावी अध्यापन के लिए यदि आप किसी विषय वस्तु को ठीक तरीके से समझते हैं लेकिन उसको कम्युनिकेट करते वक्त आपकी भाषा यदि शुद्ध नहीं है और उसमें एक विशेष किस्म का प्रवाह नहीं है जो कि उस विषय को समझने के लिए ज़रूरी है, तो यह आवश्यक है हमारे लिए कि विषय वस्तु के प्रभावी अध्यापन के लिए, विषय वस्तु के को ठीक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, विषय वस्तु को ठीक तरीके से समझाने के लिए आपके संभाषण में शुद्धता और धारा प्रवाहिता की आवश्यकता होती है। अगली बात जो मैं आपसे करूँगा वह यह है कि बालकों को समझ के साथ ज्ञान प्रदान करने के लिए। बालक यदि किसी चीज़ को समझ गया है तो उसको और डिटेल करने के लिए भी आपके पास भाषा होनी चाहिए, आपके पास उद्धरण होने चाहिए। और ये भाषा और उद्धरण कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वह बिल्कुल परिनिष्ठित हो, वह शुद्ध हो, वह धारा प्रवाह हो, जिससे विद्यार्थी प्रेरित होकर खुद भी शुद्ध और धारा प्रवाह बोलने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर सके। हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि बालकों में सुनकर ग्रहण करने एवं सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए भी शुद्धता और धारा प्रवाहिता का होना आवश्यक है। हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि छोटे बच्चे जो है वह बातों को सुनकर और बातों को ज़्यादातर सुनने से ही वह सीखते हैं। वह आसपास पड़ोस में जिन बातों को सुनते हैं वह बात उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती है। इसलिए बातचीत के दौरान, संभाषण करने के दौरान हमें शुद्धतावादी होना चाहिए, धारा प्रवाह भी हमें होना चाहिए जिससे कि वह बालक भी इस हेतु प्रेरित हो। यह भी बात हम जानते हैं कि यदि आपका उच्चारण अशुद्ध है, यदि आप शुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका वक्तव्य रोचक नहीं होगा। तो आप अपने वक्तव्य को रोचक बनाने के लिए भी आपके लिए आवश्यक है कि आप शुद्ध हों, आपकी भाषा शुद्ध हो और आप धारा प्रवाह रूप से बोलें। इसके साथ साथ समय के सदुपयोग के लिए यदि भाषा पर आपका ठीक अधिकार है, भाषा यदि में आप ठीक तरीके से निष्णात हैं, तो निश्चित रूप से आप कम समय में
ज़्यादा बात कह पाने में सफल होते हैं और कम शब्दों में ज़्यादा बात कह पाने में सफल होते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि समय का सदुपयोग भी करने के लिए भाषा पर आपका अधिकार होना आवश्यक है। साथ साथ सामान्यतया हम कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में यह देखते हैं कि एक विषय के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो कई बार अध्यापक जो है उस विषय से भटक के दूसरे विषयों पर बात करने लग जाते हैं। तो यह चाहिए यदि आपकी भाषा शुद्ध है और धारा प्रवाह है तो आप अपने आप को विषय से भटकाने से भी बचा सकते हैं और उस विषय को आप भिन्न भिन्न तरीके से कहकर एक ही सेंटेंस को विभिन्न तरीके से कहकर उसे रोचक बनाकर अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। और आखिरी बात इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वह है श्रोता अथवा बालकों की जिज्ञासा लगातार बनाए रखने के लिए। एक रोचक तरीके से यदि आप अपने कंटेंट को विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से वह इस बात को समझ पाता है कि आपने क्या कहा है और उसकी जिज्ञासा जो है उस चीज़ को और जानने के प्रति उसको प्रेरित करती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखें इस कक्षा में, इस परिचर्चा में हमने यह देखा कि कैसे भाषा में धारा प्रवाहिता होनी चाहिए, कैसे भाषा में शुद्धता होनी चाहिए और संभाषण के प्रमुख संप्रत्यय क्या हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। इसके साथ साथ इस कक्षा में, इस परिचर्चा में हमने यह भी जाना कि परंपरावादी शिक्षकों का धारा प्रवाहिता और संभाषण में शुद्धता को लेकर क्या मत है और आधुनिक भाषा अध्यापकों का इस पर क्या मत है। इन दोनों बातों को जानते हुए हमने यह जाना कि हमारे भाषा में, हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में शुद्धता और धारा प्रवाहिता क्यों आवश्यक है। आपने इस विषय को ठीक तरीके से, ऐसा मेरा विश्वास है कि समझ लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।